प्रणाम बंधन आजाद भारत की आवाज और आप देख रहे हैं न्यूज न्यू इंडिया चैनल के साथ। दोस्तों इस वक्त हम जनपद बहराइच के टिकोरा मोड़ से जब आप आएंगे समलापुर, यहाँ पर यस के इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ है और आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है स्मार्टफोन वितरण का, उसमें महसी से लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुरेश्वर जी मेरे बीच में हैं, ये यहाँ मौजूद थे। काफ़ी देर तक स्मार्टफोन का वितरण हुआ है। उन्होंने अपने संबोधन से छात्र और छात्राओं को उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया है। तो सर स्वागत है आपका, और क्या कहना चाहेंगे आज वितरण कर? हमारी सरकार जो है, चाहे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हों भारत सरकार में जी, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, मोदी जी के निर्देशन में भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का एक संकल्प लिया है मोदी जी ने जी। उसी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश भी आगे आया है और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने 1 करोड़ टेबलेट, फिर 2 करोड़ टेबलेट बांटने का निश्चय किया है जी। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो संकल्प मोदी जी ने लिया है वो हमारा देश पूरा करेगा और हमारे नौजवान पूरा करेंगे। सर एक चीज़ और कहेंगे, आज अभी आपने कहा कि डिजिटल इंडिया काफ़ी बढ़ चुका है, गांव-गांव के लोग भी जो खेतों में काम करते हैं, किसान काम करते हैं, वो भी मोबाइल चला रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सर? वो आपके सामने है, रिक्शा वाला भी मोबाइल चला रहा है और हमसे बेहतर चला रहा है जी। खेत में निकाई करने वाला हमसे बेहतर मोबाइल चला रहा है जी। जो मजदूरी कर रहा है वो हमसे बेहतर मोबाइल चला रहा है जी। तो भारत तो अब डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ ही रहा है, डिजिटल इंडिया हो ही चुका है। अब जिसको टैबलेट की आवश्यकता थी, किसी कारण से वो नहीं खरीद सकता था, तो हमारे सरकार ने भी फैसला लिया है कि हमको निःशुल्क। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस प्रांगण में, इस कॉलेज के प्रांगण में, इस क्षेत्र जिनका उपयोग रहा है, आपके पिताजी भी विधायक रहे हैं, आप कई बार महसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं और वर्तमान में हैं। मेरे पास बहुत शब्द नहीं है कि हम आपके बारे में इतनी विशेषता बताएं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं आपका स्वागत करते हुए। बहन क्या लिखती है? सुनिधि शुक्ला मेरा नाम। तो सुनिधि जी, आपको जो ये टेबलेट दिया गया, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ही खुशी और उल्लास महसूस कर रही हूँ और बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों को ये गिफ्ट भेंट किया है ताकि हम और अच्छी पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ सकें और इस देश का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद। और क्या, और आप क्या कहेंगी? हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? रोली मिश्रा। रोली मिश्रा जी, तो ये जो आपको मिला है टेबलेट, तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए क्या कहेंगे? हम यही कह रहे हैं कि हम, वो बहुत अच्छा किया हम लोगों के लिए, हम लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, सरकार को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। और आप क्या कहेंगे? मेरा नाम कुसुम भारती है। टैबलेट मिल के बहुत खुशी हो रहा है और हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, इसे ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो उससे हम लोग की पढ़ाई भी बहुत आसान हो जाएगी। इस टैबलेट से हम लोग 10 दिन से इंतजार कर रहे थे, आज सभी को मिला, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। बहुत हम लोग बहुत खुश हैं इस टैबलेट से, मतलब पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं, कुछ मतलब देखना हो, कुछ भी हो तो प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक। माननीय योगी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी और आज हमें बहुत खुशी हुई है, हमें टैबलेट मिला है, इससे हम अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। हम सब विद्यार्थी योगी जी और मोदी जी और समस्त यूपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरों पर नजर बनाए रखिए, आज हम आपको जनपद बहराइच के टिकोरा मोड़ पर लाए हैं। आप देख रहे हैं SKS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का बोर्ड लगा हुआ है और ये इस वक्त आप टिकोरा मोड़ की तस्वीरों को देख रहे हैं। ये सीधे चालान सीतापुर मार्ग है और ये आप देख रहे हैं पुलिस चौकी लेजर रिसार्ट कुछ ही दूरी पर स्थित है और आज हम आपको ले जाएंगे समलापुर में स्थापित सर्वेश शुक्ला संस्थान ले जाएंगे। दोस्तों तस्वीरों में मैं सीधे आपको ले जा रहा हूं। इस वक्त आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं चालारी घाट सीतापुर का ये मार्ग है और इसी मार्ग पर स्थापित है दोस्तों SKS संस्थान। इस वक्त समलापुर के पास आप देख रहे हैं विजयनगर चौराहा समलापुर, इससे ठीक आप घूमेंगे दोस्तों दक्षिण की तरफ। मैं आपको दक्षिण की ओर ले जा रहा हूं, ये दक्षिण की ओर घूम चुके आप और अब हम आपको सीधे पहुंचा रहे हैं दोस्तों
काफी तेजी के साथ वीडियो को चलाते हुए मैं आपको ले आया हूं दोस्तों। दूर आप देख रहे हैं काफी ऊंची इमारत है दोस्तों, आप देख रहे हैं यस के एस संस्थान की तस्वीरों को देख रहे हैं, बाहर की पिक्चरों को आप देख रहे हैं दोस्तों। और अब हम आपको लाइन गेट पर मौजूद यहां पर देख रहे हैं और उसके बाद प्रशासनिक भवन में आपको दिखा रहा हूं और तेजी से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है दोस्तों यहां पर। और अब हम आपको दिखा रहे हैं माती से जनप्रिय विधायक सुरेश्वर सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। इस वक्त आप अंदर कार्यालय की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जनपद बहराइच के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर सर्वेश शुक्ला की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, वो सीधे जनप्रिय विधायक से वार्ता कर रहे हैं। आप देख रहे हैं विशेष तौर पर रंगोली भी बनाई गई है, सामने आप देख रहे हैं मौजूद छात्राओं की तस्वीरों को आप देख रहे हैं जो पुष्प लेकर के मुख्य अतिथि का इंतजार कर रही हैं। बस चंद ही मिनटों के बाद रोली तिलक लगा करके जनप्रिय विधायक सुरेश्वर सिंह का स्वागत अभिनंदन किया जाएगा, वो पहुंच चुके तस्वीरों में आप देख रहे हैं रोली तिलक लगा करके यहाँ पर जनप्रिय विधायक महसी से सुरेश्वर सिंह का पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर मौजूद छात्राओं ने पुष्प वर्षा करके स्वागत अभिनंदन किया। जनपद बहराइच का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है यसके यस ग्रुप, आप तस्वीरों में देख रहे हैं मौजूद छात्रों छात्राओं की तस्वीरों को देख रहे हैं, उन्होंने हाथ हिला करके चैनल का वादन किया। और इस वक्त कार्यक्रम का संचालन करने हेतु छात्राएं यहां मौजूद हैं और अब हम आपको सीधे तस्वीरों में ले जाएंगे, स्वागत वंदना की ओर गीतों की ओर हम आपको ले जाएंगे दोस्तों। और यहां पर आप देख रहे हैं अब मौजूद हैं यहां पर ये बाहर से आप देख रहे हैं टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना 2021-22 की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, सीधे हम आपको वंदना की ओर ले जाते हैं, स्तुति की ओर ले जाते हैं। अब आप आगे तस्वीरों में देख रहे हैं चेयरमैन डॉक्टर सर्वेश शुक्ला यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जनप्रिय विधायक सुरेश्वर सिंह को माल्यार्पण करके उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। डायरेक्टर पल्लवी शुक्ला की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, यहां पर आए हुए सभी मेहमानों को गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है दोस्तों। और एक विशेष धुन के साथ देखें टैबलेट वितरण
तस्वीरों में आप देख रहे हैं वरिष्ठ सर्जन चेयरमैन डॉक्टर सर्वेश शुक्ला के साथ उनकी पुत्री पल्लवी शुक्ला जो इस विद्यालय की डायरेक्टर है वह इंजीनियर भी मौजूद हैं। अंग वस्त्र देकर के स्वागत किया गया और अब हम आपको ले जा रहे हैं तस्वीरों में लैब की ओर। हम आपको ले जाएंगे दोस्तों, आप देख रहे हैं यहां पर लैब का निरीक्षण कर रहे हैं जनप्रिय विधायक सुरेश्वर सिंह की तस्वीरों को आप देख रहे हैं दोस्तों। और ये सभी वीडियो आप देख रहे हैं देवी पाटन मंडल का सबसे चर्चित बड़ा यूट्यूब चैनल न्यूज न्यू इंडिया के साथ ये वीडियो आप देख रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं सभी लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए व लाइक करते रहिए जिससे हम SKS संस्थान की और वीडियो आप तक पहुंचा सके दोस्तों। यहां पर योग्य टीचरों के द्वारा छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा दी जाती है दोस्तों। ये सभी वीडियो आप देख रहे हैं सबलापुर में स्थापित SKS संस्थान की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। यहां पर लैब का निरीक्षण कर रहे हैं दोस्तों सुरेश्वर सिंह विधायक मासी। यहां पर वो सीधे चेयरमैन वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर सर्वेश शुक्ला से वार्ता कर रहे हैं और एक एक लैब के बारे में वो जानकारी ले रहे हैं दोस्तों। देख रहे सोशल मीडिया के सभी साथियों से मैं पुनः आग्रह करता हूं इस वीडियो को निरंतर शेयर करते रहें, लाइक करते रहें व बच्चों के उज्ज्वल भविष्य हेतु SKS ग्रुप ऑफ फार्मेसीज में एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें दोस्तों। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं पल्लवी शुक्ला डायरेक्टर SKS संस्थान बहराइच की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। सीधे जनप्रिय विधायक लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं दोस्तों। धन्यवाद, लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।